बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन एंट्री टेस्ट सीरीज। तो आज आखिरी टॉपिक ही हमारा, कहने को तो एक ही टॉपिक है कैपेसिटर, लेकिन उसके सब टॉपिक्स आपके सामने बने पड़े हैं और ये टोटली टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर है क्या, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी सिंबल हो गई, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर उसी कैपेसिटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। कहने को तो ये कैपेसिटेंस पूरे कैपेसिटर्स की होती है, लेकिन हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा इस कैपेसिटेंस में वो किसका होगा, वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब ये एक टाइप है कैपेसिटर की, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है और किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, एंड किसी भी कैपेसिटर को आप चार्ज और डिस्चार्ज किस तरीके के साथ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक सब टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर, एंड दिस वन इज द फाइनल लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलें मजीद टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो लेट मी शेयर अनदर पेज विद यू, दैट इज कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की डेफिनेशन पर चलते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है। भाई कैपेसिटर की डेफिनेशन आप सबको पता है कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहीं पर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जाती है कि इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, या टू यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करता है, वो करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब वो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो दर हकीकत पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेशन फॉर्म में आती है। उसके बाद भाई जिसके डिवाइस की हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर किस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो अगर आपसे ऐसा कोई एमसीक्यू पूछा जाए या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है चार्जेस को स्टोर करना, यानी एक जगह पर जमा करना। और जब हम किसी चार्जेस को एक जगह पर जमा करने की बात करते हैं उसका मतलब है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट सुइटेबल हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। समटाइम्स एमसीक्यूज का पैटर्न कुछ चेंज हो जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बल्कि एक और ऑप्शन भी इसका हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी एक मेथड है जिसमें जो है वो चार्जेस क्या होती हैं, स्टोर करती हैं। सो दीज आर द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। बात एक ही, ये दोनों की कोई अलग अलग नहीं है, ये प्रिंसिपल होती हैं जिस पर कैपेसिटर वर्क करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंबल की। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हैव डिफरेंट सिंबल्स। लेट सपोज मैं आपको एक सिंबल एक्सप्रेस करना चाहूँ कि हमारे पास कैपेसिटर की सिंबल एक ये होती है, दो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, ठीक है। एक हमारे पास कैपेसिटर की सिंबल ये होती है, ठीक है, सेम होती है लेकिन हम ऊपर से एक लाइन दे देते हैं, और एक हमारे पास कैपेसिटर की एक ऐसी सिंबल होती है कि उसमें एक लाइन क्या होती है, कर्व होती है इस तरीके के साथ। अच्छा ये जो कर्व, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा ये कर्व जो है ना ये उस साइड हो, तो ये कैपेसिटर की जो है ऐसी भी सिंबल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ऊपर कैपेसिटर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर्स, वी कॉल दीज कैपेसिटर्स एज फिक्स्ड कैपेसिटर्स। ज्यादातर हम रेक्टिफायर सर्किट्स में यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड वन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। इसको जो है वेरिएबल कैपेसिटर्स की अगर बात की जाए तो वेरिएबल कैपेसिटर्स को हम जो है यूज करते हैं इन रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग में हम जो है वो यूज करते हैं इस वेरिएबल कैपेसिटर्स को। उसके बाद जो ये फाइनल वन मैंने सिंबल बनाई है वो लास्ट वन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पोलराइज कैपेसिटर होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैव डिफरेंट सिंबल्स, ठीक है। तो इस चीज पर समटाइम्स वो सिंबल देकर भी जो है पूछ सकता है कि कौन सा कैपेसिटर हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर हमने बनाया, इस फिक्स्ड कैपेसिटर को आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अब मेजर डिस्कशन हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है कि भाई कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में दो हिस्से होते हैं। तो वो पहला हिस्सा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कंडक्टिंग प्लेट्स। क्या होता है कि हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स का क्या मतलब है कि अगर चार्ज उस पर आ रही हैं तो वो चार्जेस को क्या करेगा, वो चार्जेस को जमा करेगा, ठीक है।
अब ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स की हम बात करते हैं, वो कंडक्टिंग प्लेट्स ज्यादातर थिन या लाइट वेटेड होती हैं, हल्की होती हैं हमारे पास। और उसके बाद जो दूसरा मेन पोर्शन होता है इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो क्या होता है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, उन कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में हम एक मीडियम रख देते हैं जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि हमारे पास ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और उन दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में, अब ये किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगी, और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। वैसे डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ड्राई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है जो चार्जेस को आगे की तरफ नहीं जाने देता। तो ये एक इंसुलेटर है जो इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में होता है, कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में होता है, जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में दो चीजें हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास। भाई यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। होता क्या है कि डिफरेंट मीडियम्स की फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको आप परमिटिविटी का नाम देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए कुछ और परमिटिविटी होगी, तो एयर के लिए कुछ और परमिटिविटी होगी, या फ्री स्पेस के लिए फिर कुछ और परमिटिविटी मिलेगी। तो दिस वन इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। और ये जो हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं, इस कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी कॉल दिस वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर से ये बात ध्यान में आ रही है कि कैपेसिटर भी इसका नाम है, और दूसरा इसका जो नाम है वो कंडेंसर है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटर कंडेंसर। हम जो है वो कैपेसिटर को कंडेंसर का भी नाम दे सकते हैं। सो दिस वन इज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द कैपेसिटर्स। उसके बाद ये जो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है या चार्जेस को स्टोर करता है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आपसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बनाएंगे, आप कहेंगे एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। ये दर हकीकत क्या होती है, ये हमारे पास एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की एक एबिलिटी होगी, जिस एबिलिटी के साथ वो क्या करेगा, जिस एबिलिटी के साथ वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अच्छा, उसके बाद जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो हमारा ज्यादातर जो डिस्कशन होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाहूँ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होंगी, ठीक है, और दोनों मेटालिक प्लेट्स को जो है हम किसी भी बैटरी के साथ या सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हम जब यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी हैज अ पोटेंशियल ऑफ वी, उस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। पॉजिटिव नेगेटिव ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको इस केस में क्या होगा। हमें कहा गया कि कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि कैपेसिटेंस जो है दरहकीकत वो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज ही होता है और कुछ नहीं होता। कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, वो दरहकीकत अमाउंट ऑफ चार्ज ही होता है। ये मैं लिख लेता हूँ कि भाई कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस और कुछ भी नहीं है, एक अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट, जो किसी भी एक प्लेट पर स्टोर होगा, दैट इज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट, जो किसी भी एक प्लेट पर क्या होगा, जो किसी भी एक प्लेट पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्लेट की क्या मतलब है, लेट सपोज कि भाई वो प्लेट वन पर स्टोर हो रही है, सही है, या प्लेट टू पर स्टोर हो रही है, लेकिन ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है तब जाके स्टोर होगी जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल अप्लाइड इज वन वोल्ट, यानी कि आप जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो कितना होना चाहिए, वो वन वोल्ट का होना चाहिए। तो जितना आप जब वन वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अप्लाइड वन वोल्ट, तो जब आप वन वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बैटरी के साथ, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्जेस जमा हो जाएंगी ना, उसी हम क्या कहते हैं, उसी हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। नहीं, दो के साथ नहीं हो सकता, वन के साथ ही होता है, वन वोल्ट। अब ये मैथमेटिकली आगे चल के इक्वेशन प्रूफ करवाऊंगा, उसके हिसाब से भी ये डेफिनेशन आपके सामने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्लेट्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, देखिए आप थोड़ा समझिए इस चीज को। यहाँ पर दो मेटालिक प्लेट्स हैं, उनका नाम रख लेते हैं, एक फर्स्ट वन है, एक सेकेंड वन है, ठीक है। अब देखें, जब हमने एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरी हैज अ पोटेंशियल ऑफ वी, उसका जो पोटेंशियल है वो वी के बराबर है। अब बैटरी का जो मतलब बड़ा वाला टर्मिनल हमने बनाया, उसको हमने पॉजिटिव नाम दे दिया,
और जो छोटा वाला है उसको हमने नेगेटिव नाम दे दिया। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्स्ट मेटालिक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल प्लेट है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद है, तो इस फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे और कहां जाएंगे बैटरी की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाकी कौन सी चार्ज बची इस पर, पॉजिटिव चार्ज बची क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके इसके करीब इंडक्शन मेथड के हिसाब से जो दूसरी प्लेट हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। तो इसी तरीके के साथ हमारे पास जो एनर्जी है वो ऐसे ही जमा होती है इस कैपेसिटर के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। सिंपली डाइलेक्ट्रिक क्यों रखते हैं, तो वो कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। अब वो कैसे बढ़ाएगा वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन बस ये जहन में रखिएगा कि जिस टर्मिनल के साथ, जिस प्लेट के साथ अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और जिस प्लेट के साथ आप बैटरी का नेगेटिव अटैच करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। फिर हम डायरेक्शन को भी पढ़ेंगे कि करंट यहाँ से कैसे जो है वो फ्लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये समझ आया कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है, चले बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दो डेफिनेशन याद कीजिएगा, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन दोनों कैपेसिटेंस की ही डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, उसकी इक्वेशन पर हम नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट जो है वो आपको इक्वेशन बता देता हूँ, वो इक्वेशन प्रूफ नहीं करनी हमने। और वो जो इक्वेशन है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय टी। भाई ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैपेसिटेंस है, लेकिन ये तब कैपेसिटेंस है जब हम इसको वैक्यूम में रखेंगे, यानी कि उन दो प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस हो, किसी किस्म का कोई मीडियम ना हो, तो उसको हम वैक्यूम का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो सी जो वैक्यूम में होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो वैक्यूम में होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो उसकी परमिटिविटी को शो करता है, एरिया एरिया ए जो है उसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो एरिया है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा आप, ये एरिया कहने को तो है लेकिन इसका जो पर्टिकुलर काम है वो दरहकीकत कॉन्टेक्ट एरिया होता है, ये ऐसे कहने को एरिया नहीं है, ये कॉन्टेक्ट एरिया होगा। अब कॉन्टेक्ट एरिया कैसे देखें, मेरे पास एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट ऐसी है हमारे पास, सर्कुलर शेप में और एक प्लेन शेप में, ठीक है। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कौन सा एरिया लेना है, हमें वो एरिया लेना है जिस एरिया में दोनों प्लेट्स कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई सर्क्यूलर पार्ट इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा और बाकी जो होगा वो हम कॉन्टेक्ट वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो हम किस एरिया की बात करते हैं, कॉन्टेक्ट एरिया की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस या सेपरेशन भी हम उसे कहते हैं, समटाइम्स इसको सेपरेशन कहा जाता है, समटाइम्स इसको जो है वो विड्थ बी कहा जाता है, किसका विड्थ, जो आप उसके दरमियान में मीडियम रख रहे हैं ना उसकी विड्थ भी हम कहते हैं। देखें ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थी, ठीक है, इनके बीच में हमने ये चीज रख दी। अब इनके बीच में हम ये चीज रखती तो मैं इसको सेपरेशन भी कह सकता हूँ, या तो मैं इसकी मोटाई भी कह सकता हूँ, इसको मैं इसकी विड्थ भी कह सकता हूँ। तो दोनों नाम है, आप डी को सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स भी कह सकते हैं, आप डी को विड्थ ऑफ अ प्लेट भी कह सकते हैं। सो ये सी वैक्यूम में है, किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी, दैट इज अ डिस्टेंस। चलो तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने किसको डिस्कस किया, इस कैपेसिटर वाले पोर्शन को डिस्कस किया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। अच्छा यहां से डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं, देखें कैसे, अगर मैं सी को किसी भी मीडियम में डिस्कस करना चाहूं, सी इन एनी अदर मीडियम यानी कैपेसिटेंस इन एनी अदर मीडियम, तो हमें क्या करना होगा, इस एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेटिव परमिटिविटी लगानी होगी। तो यहां पर हम रखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी है ये तो सी वैक्यूम में है, तो मैं लिखूंगा कि भाई सी इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जो सी होगी वो बराबर होती है एप्सिलॉन आर इनटू सी इन वैक्यूम। तो जो सी है वो वैक्यूम में है। तो अब आप मुझे बताएं कि मीडियम रखने से, डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई कि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई, ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई, कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसके साथ क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई मीडियम पुट कर देते हैं, जब भी हम क्या करते हैं कोई मीडियम रख देते हैं प्लेट्स के बीच में, तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइंडली रिमेम्बर दिस वन, सी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन सी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस जिसे हम कहते हैं।
तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन, कि भाई जो दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। एक एप्सिलॉन नॉट, एक एरिया, एरिया को आप ज्योमेट्री में भी लेके आ सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है सेपरेशन, जहां जिसको आप विड्थ का भी नाम दे सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स अनदर पेज, तो दूसरे पेज में हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है तरीके, ठीक है। तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ये कैपेसिटर बनाया हुआ है आपके सामने, और ये हमारे पास जो है ये एक डाइलेक्ट्रिक है जो मैंने इनके बीच में रख दिया, ठीक है। अब अगर इनको नाम दें कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मैंने क्या समझाया था कि भाई जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव के साथ अटैच है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेट सपोज द बैटरी हैज अ पोटेंशियल ऑफ V, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है। अब अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे, व्हाइल इंक्रीजिंग द पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट आर स्टोर्ड ऑन द प्लेट आल्सो इंक्रीजेस, तो जो प्लेट पर चार्जेस स्टोर हो रही है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर को बढ़ाना है तो मैंने क्या करना होगा, मैंने पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी की निशानी हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट C है, C इनटू V। ये थोड़े से रिलेशन है, इन रिलेशंस को आपने याद कर देना। तो पहला रिलेशन ये है चार्ज को डिटरमाइन करने का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो उनका जो एरिया होता है वो दर हकीकत उसका आंसर होता है, यानी कि सी और वी का, कैपेसिटेंस और वोल्टेज का जो एरिया है वो किसको शो करेगा, क्यू को शो करेगा। काइंडली रिमेम्बर दिस वन। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्टिव लिख लेता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि एरिया अंडर सी वी ग्राफ, यानी कि सी वी ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो किसको शो करेगा, तो आप कहेंगे शोज क्यू। किसको शो करेगा, वो क्यू को शो करेगा, और क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज। तो ये एक एमसीक्यू याद रखिएगा। अच्छा ये जो C है ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये जो चार्ज है सॉरी जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। जब कोई भी दो क्वांटिटीज डिवाइड हो जाती है तो हम वहां पर क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम वहां पर स्लोप कंसिडर कर लेते हैं। तो अपने ये भी एमसीक्यूज याद रखना है कि यहाँ पर स्लोप होगा, और ये स्लोप किसके अंदर होगा, स्लोप अंडर क्यू वी ग्राफ। क्यू वी ग्राफ अंडर जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, शोज सी। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान रखने, एरिया अंडर सी वी ग्राफ किसको शो करेगा, क्यू को, और जो स्लोप होगा क्यू वी ग्राफ का वो किसको शो करेगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को। यहाँ से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं, जो कैपेसिटेंस का यूनिट है माइकल फैराडे के नाम से दिया गया था, दैट इज फैराड, रिप्रेजेंटेड एज एफ, और जो क्यू है दैट इज अ चार्ज, चार्ज को आप मेजर करते हैं कूलम में, और ये जो पोटेंशियल है इसको आप वैसे भी वोल्ट में मेजर करते हैं, तो फैराड बराबर होता है कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। अब सुनिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि हमने जो बैटरी का वोल्टेज अप्लाई किया था अगर वो 1 वोल्ट हो जाता तो वी की जगह पर हम 1 पुट कर देते तो एफ किसके बराबर हो जाता, सी के बराबर हो जाता, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज। एफ का क्या मतलब है, कैपेसिटेंस, और C का मतलब क्या है, चार्ज। तो जो कैपेसिटेंस होती है वो और कुछ नहीं होता बल्कि चार्ज होती है, जो मैंने पीछे डेफिनेशन आपको बताई, ये देख लें, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट, जो किसी एक प्लेट पर स्टोर होगी, जबकि पोटेंशियल कितना अप्लाई करें, 1 वोल्ट का। सो लिसन हियर, जब हम वोल्ट 1 वोल्ट का पुट करेंगे, जब हम वोल्टेज 1 वोल्ट का पुट करेंगे तो बदले में जो सी है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो F का क्या मतलब है, F का मतलब है फैराड, यानी कि कैपेसिटेंस, और C का क्या मतलब है, कूलम, इसका मतलब है चार्ज। तो इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम किनको डिस्कस करते हैं, इनके ग्राफ को भी डिस्कस करते हैं। चलें अब इनके ग्राफ के हिसाब से हमने ये चीज समझ ली, लेकिन यहां पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा आपने समझना। अच्छा यहाँ पर हम इसका बेस यूनिट भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ यहाँ से, कि भाई जो कैपेसिटेंस है वो फैराड है, ठीक है, और जो चार्ज है वो कूलम है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो ये वोल्टेज इनवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका बेस यूनिट निकालेंगे वो फैराड जो बेस यूनिट है, ठीक है, कैपेसिटेंस का जो बेस यूनिट है
ऐसा यूनिट तो हमारे पास वैसे भी फेरेडे, तो अगर उसी कैपेसिटेंस का हम जो है वो बेस यूनिट निकालना चाहिए, ठीक है। तो बेस यूनिट हमारे पास जो होगा किसका, कैपेसिटेंस का, याद रखिएगा। वो कैपेसिटेंस का हमारे पास क्या होगा, वो कैपेसिटेंस का हमारे पास होगा केजी इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स स्क्वायर, केजी इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड पावर फोर एंड एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से हम इसकी मेजरमेंट को निकाल सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आपने करना क्या है, आपने क्यू को तो सेम रखना है, वोल्टेज की जगह पर जोल पर कूलम रख देना है, ठीक है, क्योंकि वो वोल्टेज है ना पोटेंशियल, तो वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वहां से हम मेजर कर लेते हैं। ये जो सी मैंने दिया है ना, थोड़ा सा समझिएगा, ये जो मैंने सी दिया है, ये सी यहाँ पर क्या है, चार्ज का यूनिट, ठीक है, और ये जो सी मैंने नीचे दिया है वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सी सी के साथ जो ना अपने गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये पूरा डायग्राम देखा कि ये जो हमने बनाया यहाँ पर, इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये जो मतलब क्या कहते हैं कैपेसिटर था, उसने चार्जेस को स्टोर कर दिया, जमा कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये फुली चार्ज हो जाए तो क्या होने वाला है, यानी कि अगर कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, ठीक है, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो क्या होने वाला है। याद रखिएगा कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जब कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुली चार्ज होता है, तो क्या बदले में होता है, बदले में ये होता है कि इन दो प्लेट्स के बीच में, इसके इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होता है वो बराबर हो जाता है किसके, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, यानी बैटरी से आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इज इट क्लियर। तो फुली चार्ज कहने का मतलब ये होता है, और वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट वो कि भाई दोनों पर जो अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर हो जाएंगी वो बराबर हो जाएंगी, यानी कि अगर इस पर पॉजिटिव क्यू स्टोर हो रही है पॉजिटिव प्लेट पर, तो नेगेटिव पर भी माइनस क्यू जो है ना वो स्टोर हो रही है। याद रखिएगा, जितनी चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर स्टोर होती है तो इंडक्शन के प्रोसेस तक, उतनी चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट पर भी स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो कैपेसिटेंस है वो तो फेरेड में हम तो मतलब ज्यादा मेजर कर लेते हैं, लेकिन जो कैपेसिटेंस होती है ना वो तकरीबन लेस देन वन ही हमें मिलती है, तकरीबन एक से जो है ना वो कम ही मिलती है। ज्यादातर हम इसके जो यूनिट पढ़ते हैं वो यूनिट इसके जो है वो प्रीफिक्स में आपने याद करने होंगे, एक पीको फेराड होता है और एक हमारे पास होता है माइक्रो फेराड, ठीक है। जो पीको होता है वो हमारे पास होता है 10^-12, और जो माइक्रो होता है वो हमारे पास होता है 10^-6। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इनकी मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं जिसको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है मैथमेटिकल अरेंजमेंट के हिसाब से। कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आपने इन चीजों को आगे पुट फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ से किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर हम चार्ज को है ना, यहाँ यहीं पर मैं कर लेता हूँ साइड से, यहीं पर ऊपर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। हमें कहा गया कि एक प्लेट, एक मतलब क्या कहते हैं कैपेसिटर है, जिस पर चार्ज जो है वो दो गुना बढ़ गई, यानी कि क्यू प्राइम एक न्यू चार्ज थी जो दो गुना बढ़ गई 2q। अब अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो अगर चार्ज को दो गुना बढ़ेंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, दो गुना बढ़ जाएगा, तो वी प्राइम एक न्यू पोटेंशियल मिलेगा व्हिच इज आल्सो 2 times, वो भी दो गुना बढ़ गया। तो आपको जो न्यू कैपेसिटेंस मिलेगी वो सेम मिल जाएगी जो पुरानी कैपेसिटेंस। क्यों सेम मिलेगी, कि दोनों के डिवीजन है ना, देखें सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, तो 2 / 2 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और क्यू डिवाइडेड बाई वी का क्या मतलब है सी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि चार्ज जो है, जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, ओनली चार्ज के इंडिपेंडेंट है, और ऐसे ही ओनली वोल्टेज के भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, आगे चल के डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी में आके पढ़ेंगे। चलें, हाँ देखिए आ गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है और किन किन चीजों पर नहीं डिपेंड। तो सबसे पहले हम जो है वो डिपेंडेंसी पर चलते हैं, और डिपेंडेंसी में हम देखेंगे कि भाई कैपेसिटेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, वो हमारे पास इक्वेशन कुछ यू थी कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो ये जो एरिया डिवाइडेड बाय डी है ना, इसको हम ज्योमेट्री ऑफ प्लेट भी कह सकते हैं। तो डिपेंडेंसी में सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है, वो आती है ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, वो प्लेट्स की क्या आती है, ज्योमेट्री आती है, ठीक है।
ज्योमेट्री में हमारे पास क्या चीजें आती है, एक एरिया होता है और एक होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। लेकिन किस एरिया की मैंने बात की थी, कॉन्टेक्ट एरिया की, याद रखिएगा इस चीज को। और इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास दो चीजें आती है, वो ये कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कैपेसिटेंस है वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए वो डी डिनोमिनेटर में है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी सेपरेशन बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ऐसे इनको आपने ज्योमेट्री में अंडरस्टैंड कर लेना है। और जो दूसरी चीज होती है डिपेंडेंसी में, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है मीडियम बिटवीन चार्ज, कि भाई चार्जेस के बीच में जो है वो मीडियम हमारे पास कैसे हो सकता है। तो मीडियम को तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ डिस्कस किया था, तो उस मीडियम में जो है उसको आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डायलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। मैं कह सकता हूँ कि अगर हम मीडियम को डिस्कस करना चाहें तो मीडियम में हमारे पास क्या होगा, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जब आप मीडियम को डिस्कस करेंगे तो मीडियम में हमारे पास क्या होगा, मीडियम में हमारे पास डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, या इसको हम डायलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर के साथ। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है जो इसको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है इनके प्रस्पेक्टिव। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हमने डिपेंडेंसी को आके क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम चलते हैं इंडिपेंडेंसी के टर्म्स में, कि भाई जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इंडिपेंडेंसी है वो किन किन चीजों पर वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, वैसे एक मखसूस कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, एक ये भी मैं बता देता हूँ आपको डिपेंडेंसी के टर्म्स में, कि वो सिर्फ रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज। अब ये थोड़ा समझिएगा, रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि भाई अगर किसी कैपेसिटर की अगर चार्ज टू वोल्टेज रेशियो ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है, अगर किसी जो है वो कैपेसिटर की चार्ज टू वोल्टेज रेशियो कम है तो उसकी कैपेसिटेंस कम है, ठीक है। यानी कैपेसिटेंस बराबर था ना Q डिवाइडेड बाय V, तो Q डिवाइडेड बाय V दोनों अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, और अगर किसी कैपेसिटर की Q बाय V जो रेशियो है वो कम है तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट, अब किसके इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, भाई इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ओनली। अगर आप चार्ज ओनली की बात करेंगे, भाई जो चार्ज है तो उसके वो चीज क्या बनेगी, उसके वो इंडिपेंडेंट बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि चार्ज बढ़ेगी तो साथ में वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसी तरीके के साथ वो जो है वो वोल्टेज ओनली के भी क्या है, इंडिपेंडेंट, वोल्टेज ओनली, तो वो वोल्टेज ओनली के भी इंडिपेंडेंट। हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा कर सकता है कि हम किसी एक चीज को कांस्टेंट रख के एक को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तब ये चीज बन सकती है, ठीक है, वरना तो दोनों साथ में इंक्रीज होने वाले हैं या डिक्रीज होने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्लेट्स, जो मटीरियल ऑफ प्लेट्स यानी प्लेट्स जिन मटीरियल की बनी हुई है उनके नेचर के वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है और कुछ के जो है वो इंडिपेंडेंट भी है। तो ये बेसिक से टर्म्स हैं जिनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे की तरफ क्या करना है, पुट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ये समझ आ गया। ये चार्ज ओनली ना, इसका मतलब ये होता है, देखें चार्ज को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, जो मैंने पहले रेशियो बताया था, तो कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन अगर किसी एक को कांस्टेंट रख के एक को बढ़ा रहे हैं तब ये चीज हो सकती है। ये मैं पोलराइजेशन में समझाता हूँ कि एक को कांस्टेंट रख के कैसे एक को इंक्रीज करके डिक्रीज करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। अब हम बात करते हैं मेथड्स टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हम कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अभी हमने एक बड़ी सिंपल सी बात की थी, वो कैपेसिटेंस की हमने ये की थी कि भाई जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के साथ, तो अगर एरिया अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहली बात हुई क्लियर कि व्हाइल इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जिसको हमने विड्थ ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम भी कहा, यानी कि डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर डी कम होगा, सेपरेशन कम होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो साथ में कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ये दो रहे। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है मीडियम, यानी कि
अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे प्लेट्स के बीच में तो वो भी कैपेसिटेंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक, वो क्या करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक विल इंक्रीज कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस को बढ़ाएगी इस केस। तो ये है कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इन पूरे टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो मतलब इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। एक और मेथड होता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कि भाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी एक मेथड है जिसमें हम जो है वो चार्ज को जो है ना स्टोर, कैपेसिटेंस को जो है बढ़ा सकते हैं, या समझ लें कि चार्जेस स्टोर करने के अमाउंट को हम बढ़ा सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का भी वही बात होती है। तो अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन हमारे पास क्या होता है, पोलराइजेशन हमारे पास होता है रीअरेंजमेंट किसकी। देखें पोलराइजेशन की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन बनती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो मोस्ट सुइटेबल डेफिनेशन लगी मैं वो यहाँ पर पुट करूंगा। और वो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, वो हमारे पास डेफिनेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है वो क्या होती है, वो रीअरेंजमेंट होती है। किसकी रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स होती है ना। जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो चार्जेस हैं वो अरेंजमेंट में नहीं होती, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होती। तो हम उसको रीअरेंज करते हैं जब हम उसको किसी भी दो प्लेट्स के दरमियान में रख देते हैं, ठीक है। तो वो डायपोल्स किसके होंगे, वो डायपोल्स होंगे ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो किसके होंगे, डाइलेक्ट्रिक होंगे। अब ये जो हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक मुख्तलिफ जो है ना वो टाइप समझ लें या कोई भी फॉर्मेशन समझ लें, और यहाँ पर हम वो जो डाइप इलेक्ट्रिक डिस्कस करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है बाइपोलर। जैसे हमारे पास NaCl में Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो वो बाइपोलर की फॉर्मेशन में हमारे पास बनता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स होती है ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये चीज हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट को आके डिस्कस करेंगे, और एक हमारे पास होगा कि हम किसी भी कैपेसिटर की, कैपेसिटर को जो है हम कनेक्ट करें, किसके साथ कनेक्ट करें, बैटरी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, और जो है हम उसको बैटरी कनेक्ट ना करें, विदाउट बैटरी हो या बैटरी को रिमूव कर दें, तब क्या चीजें होने वाली हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये एक दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, हमने इन दो पैरेलल प्लेट्स को क्या कर दिया, हमने इन दो पैरेलल प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने इन दो पैरेलल प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं बैटरी की सिंबल बना देता हूँ, दिस वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इन दो प्लेट्स के बीच में एक फील्ड बन गई, और वो फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से बनेगी और ये नेगेटिव की तरफ जाएगी इस तरीके के साथ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया। अच्छा देखें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट होती हैं लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर, फिर ये ऐसे समझ लें नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऐसे समझ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऐसे समझ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऐसे समझ लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। हमने क्या करना है, हमने इस मटीरियल को जो है वो इसके बीच में रख देना है, इस डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में रख देना है। तो पता है क्या होगा, देखिए ये जो दो प्लेट्स थी ना, है ना, इनके दरमियान में जब हम ये डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रीअरेंज कर लेंगे अपनी तरफ, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ रीअरेंज कर लेंगे। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस मेथड इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। Is it clear? तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस को ऐसे समझने के इंड्यूस कर लेते हैं। पोलराइजेशन चार्जेस का मतलब ये होता है कि हम चार्जेस को इंड्यूस कर लेते हैं इस केस में। और यहाँ पर जैसे हम डाइपोल की बात करते हैं, तो डाइपोल का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पर आ जाए, तो ये अपोजिट और इक्वल चार्जेस होंगे,
क्योंकि जो नेगेटिव थी वो इस पोर्शन की तरफ चली गई और जो पॉजिटिव थी उसी मीडियम के अंदर अरेंज हो गई, रीअरेंज हो गई। ठीक है, कुछ इस साइड चलेंगी, कुछ इस साइड चलेंगी, और कौन कौन सी जाने वाली है वो फील्ड की बुनियाद पर हमारे पास स्क्रिप्ट समझ आते हैं। तो ये है दर हकीकत मैथड जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अब बात हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो चार्जेस को जो है ना सॉरी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कैसे करेगा, मतलब क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है कि जब हम बैटरी को जो है वो कनेक्ट करें और फिर हम क्या करेंगे कि बैटरी को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, सही है। तो चलिए सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करने वाला पोर्शन पढ़ेंगे, फिर हम बैटरी को डिसकनेक्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बैटरी को हम कनेक्ट कैसे करेंगे और डिसकनेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं इसको जो है ना पीछे पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम इसको आके डिस्कशन में लिख के आते हैं। तो देखिएगा आप क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगेन यही दो जो है वो पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है याद रखिएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बदले में ये नेगेटिव हो जाएगा। डाई ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके पॉजिटिव इसकी तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और इसके जो नेगेटिव है वो इसकी तरफ रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये रीअरेंज है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ये पर्सपेक्टिव लिया कि जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, वोल्टेज हमने क्या किया, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल है, इसका कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के बराबर हो गए, ठीक है। वो बैटरी के बराबर क्यों हुआ, उसका रीजन क्यों, क्योंकि जब हमने देखा कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल हो गया कॉन्स्टेंट, जाहिर सी बात। अब जब पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो गया तो मैंने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देना है। अब देखिएगा क्या होने वाला है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी, वो इक्वेशन कुछ यूं थी कि चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, मैंने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो मैंने चार्जेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो वाइल गिविंग द पोटेंशियल चार्ज इंक्रीज, अगर चार्ज इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, और जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या रहेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हमने बैटरी कनेक्ट की थी तो पोटेंशियल की वजह से वो चार्जेस उसमें जमा होती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया। वोल्टेज क्यों कॉन्स्टेंट हो गया, देखें वो इसकी वजह से क्योंकि जब हमने ये डाइपोल लगाया था ना डाई इलेक्ट्रिक, इसकी अपनी भी एक फील्ड है क्योंकि अंदर भी इसके चार्जेस हैं, वो फील्ड इस बाहर वाली फील्ड को रिड्यूस करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, इसी की वजह से चार्जेस इंक्रीज होंगी। अगर चार्जेस इंक्रीज होंगी तो बदले में कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट, चार्ज इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, चार्जेस बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी और सॉरी यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगी, रिमेंबर दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी, ये मैं मिस्टेक हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट क्यों होगी, क्योंकि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी होती है। तो डेल्टा वी कॉन्स्टेंट रखेंगे तो ई कॉन्स्टेंट होगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगी। उसके बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसको हम चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं, है ना। और चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि इसकी इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि दो प्लेट्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं तो वो बराबर होता है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट होगा, चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, और चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अब हमने बैटरी को कर देना है रिमूव। ये जो बैटरी आपने कनेक्ट की थी, इस बैटरी को आपने क्या कर देना है, रिमूव। देखें कैपेसिटेंस बढ़ी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के हिसाब से,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम बैटरी को करें रिमूव, तो यहाँ से मैं इसको अरेज करके यहीं पर ही समझा देता हूँ। अगर हम बैटरी को रिमूव करते हैं तो देखें, जब हम बैटरी को रिमूव करेंगे, वेन एवर द बैटरी इज रिमूव, ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये नेगेटिव चार्ज थी, इसके अंदर जो है हमने वो डाइलेक्ट्रिक, हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, तो जितनी चार्जेस स्टोर हुई थी उतनी चार्जेस हैं इसके पास, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हमने बैटरी को रिमूव कर दिया तो जितनी चार्जेस पड़ी हैं उतनी चार्जेस ही पड़ी रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जब हम बैटरी को रिमूव करेंगे तो चार्ज रहेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, और जब हमने बैटरी को रिमूव किया तो बदले में क्या होगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब हमने बैटरी को हटाया तो याद रखिएगा वोल्टेज डिक्रीज, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें कैपेसिटेंस की इक्वेशन चाहिए, तो पीछे देखें यहाँ पर हमने चार्ज की इक्वेशन लिखी थी ये, तो अगर मुझे कैपेसिटेंस की इक्वेशन चाहिए तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन क्या होगी, कैपेसिटेंस की इक्वेशन होगी चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, देखें चार्ज को कॉन्स्टेंट रखा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस हो जाएगा इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीजेस कैपेसिटेंस इंक्रीज। भाई वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, जाहिर सी बात है। वोल्टेज डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, चार्ज डेंसिटी भी क्या हुई होगी, चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज ही हुई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हमने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे बढ़ता है। याद रखिएगा जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जब बैटरी को हटाते हैं तब चार्ज कांस्टेंट होती है। बैटरी को हटाने से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो चार्ज बढ़ती है, और चार्ज बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी ना अंदर से, तो मैंने क्या करना है उसको बढ़ाना है, तो चार्ज को मैं बढ़ाऊंगा, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगी तो बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जो पीछे मैंने ये समझाया, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और जो कैपेसिटेंस है वो दरअसल बढ़ेगी इस केस में। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम जिसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने बहुत सारी पॉइंट्स इसके अंदर लिख दी हैं, अब वहां से जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलें उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी आप उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है। देखें एनर्जी जो स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, सिंपल अगर हम एनर्जी स्टोर की बात करें, क्या होता है कि जब प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर की, ये प्लेट नहीं कैपेसिटर की जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, उनके दरमियान में ना एक फील्ड जनरेट होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो फील्ड कहाँ से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, तो उनके दरमियान में एक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, और वो जो फील्ड जनरेट होती है वो दरहकीकत वर्क डन करती है बैटरी किस पर, चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, तो वो दरहकीकत पोटेंशियल एनर्जी होती है बैटरी की जो वर्क डन करती है चार्जेस को उसके अंदर क्या जमा करवाने के लिए। तो मैथमेटिकली हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं इनको डिस्कस करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर की इक्वेशन है वो आपने ध्यान में रखनी होगी, वो हमारे पास होती है 1/2 Q into V। V हमारे पास क्या है, वोल्टेज, Q हमारे पास है अमाउंट ऑफ चार्ज, U एनर्जी का नाम देते हैं, और ये 1/2 है। अच्छा 1/2 हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज मालूम करते हैं। एवरेज कैसे, आप अज्यूम कर लें कि इनिशियली प्लेट का वोल्टेज जीरो है और बाद में V हो गया, तो मुझे अगर इनके बीच में एवरेज वैल्यू चाहिए तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 + V/2, तो इट बिकम्स V/2, तो 1/2 का मतलब एवरेज होता है, ठीक है, तो ये 1/2 Q into V, तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये बना फर्स्ट इक्वेशन। चलें इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं, और वो हमारे पास ये है कि हमने Q की इक्वेशन पढ़ी थी, Q किसके बराबर थी, C into V, तो Q बराबर होगी C into V multiplied by V, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV² सेट, दैट्स द सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब समझिएगा अगर कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखा जाए, अगर कैपेसिटेंस को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, अगर कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो यू और वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वोल्टेज 2 गुना बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, इस एक्सप्रेशन को जहन में रखिएगा एक ये चीज। अच्छा उसके बाद हम इसकी इक्वेशन को एक और भी लिख सकते हैं, वो कैसे, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज की जगह पर क्यू डिवाइडेड बाई सी करते हैं,
तो इनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 क्यू, और वोल्टेज की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, क्यू डिवाइडेड बाय सी। कहां से आएगा, सेम क्यू इज इक्वल टू सी वी फार्मूला से, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अब यहां पर अगेन मैं अगर सी को कांस्टेंट रखूं, यानी कैपेसिटेंस कांस्टेंट रखूं जैसे मैंने ऊपर बताया, तो यू और क्यू का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। अब से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि अगर हम चार्ज को 2 गुना बढ़ाएं तो बदले में एनर्जी कितना गुना बढ़ेगी, आप कहेंगे 4 गुना। अगर हम वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाएंगे तो बदले में एनर्जी भी 4 गुना बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। U is directly proportional to V square, voltage square, and U is directly proportional to Q square, charge का square. अच्छा, एक ये relation से इनको समझने के लिए, इनको जो है हम और भी relations इनके बना सकते हैं, देखें कैसे, वो भी सारी चीजें हम understand करना है यहाँ पर। मैं इसको साइड से erase कर लेता हूँ और इसके बाकी relations जो है उनको भी हम discuss कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो another relation है वो हम permittivity के concept में भी बना सकते हैं। Permittivity के concept में कैसे हम बना सकते हैं, हमने कैपेसिटेंस की जगह पर, कैपेसिटेंस की जगह पर हमने क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी हम पुट कर सकते हैं किसी भी मीडियम के करेस्पॉन्डिंग। वो कैसे देखें कि हमारे पास ये जो U है ये किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है अगर C के करेस्पॉन्डिंग हम इसको लिखना चाहें या वोल्टेज के टर्म्स में लिखें, तो देखें 1/2 C into V square, ठीक है। तो 1/2 को रखें सेम, और पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को हमने किसके बराबर किया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये एरिया डिवाइडेड बाय टी, दैट इज अ सेपरेशन। और वी स्क्वायर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, लेकिन उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये एरिया और ये डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो एरिया इनटू डी मतलब एरिया इनटू डिस्टेंस है वो दरहकीकत वॉल्यूम ही होता है, तो आप इसको लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यहाँ पर ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो ये भी एक एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स यहाँ पढ़ते हैं, वैसे बेसिक एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में। अब यहाँ पर यू और ई स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो एनर्जी स्टोर्ड करेंगी कौन, जो कैपेसिटर अपने पास एनर्जी स्टोर करेगा वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक कैपेसिटर जो अपनी एनर्जी स्टोर करता है ना वो किस फॉर्म में करता है, वो दर हकीकत इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्म में करता है। तो ये बेसिक से एस्पेक्ट हैं जिनको आपने क्या करना है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, फिर हम देखें कि इंटरनल एनर्जी जो है वो विथ बैटरी और विदाउट बैटरी, जब बैटरी को कनेक्ट ना करें तब हम किस कंडीशन में डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी के केस। तो यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया था और वहां पर हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था, तो सुनिए अभी, यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया था तो वोल्टेज क्या रहा था, हमारा कांस्टेंट रहा था। बैटरी को जब कनेक्ट किया तो वोल्टेज क्या हुआ था, कांस्टेंट हुआ था, ठीक है। अब सुने, वोल्टेज कांस्टेंट करने में तो कैपेसिटेंस क्या हुई थी हमारी, इंक्रीज हुई। तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज में जब हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे तो एनर्जी का हमने एक फार्मूला पढ़ा वोल्टेज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में, कि जो इंटरनल एनर्जी जो है वो 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो एनर्जी है वो बराबर है 1/2 सी वी स्क्वायर। अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सही है। तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, याद रखिएगा एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, फिर आए इस केस में जब हमने विदाउट बैटरी की थी, तो विदाउट बैटरी में हमारे पास क्या चीज रही, कांस्टेंट चार्ज कांस्टेंट रही। तो इस केस में हमने क्या डिस्कस किया था, इस हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे तो यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी वैसे क्यों डिक्रीज हो रही है, उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही है।
तो सेम ही एस्पेक्ट है, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इक्वेशन को समझना है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। विथ बैटरी विदाउट बैटरी सिर्फ समझने का तरीका होता है, लेकिन रिलेशन सारे एक ही आंसर देते हैं। तो ये है दरहकीकत इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मैं मानता हूँ थोड़ा सा मतलब टॉपिक भी लंबा होने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीजें देखें आपके सामने लिखी पड़ी हैं, आपने क्या करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है और एस्पेक्ट के हिसाब से समझना है कंडीशन। आगे की तरफ मूव करें, देखें आगे हमारे पास कौन सा पार्ट बचता है। अभी अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन, ये समझ आ गया आपको, सिर्फ रिलेशन अंडरस्टैंड करनी है, बाकी सारे एस्पेक्ट समझने हैं आपने, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये तो इजी है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपने कैपेसिटर्स को जो है वो एंड टू एंड कनेक्ट कर देना है। ऐसे तीन कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, याद रखिएगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होती है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। इन चीजों को अंडरस्टैंड कर देना, चार्ज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाता है। तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल जो वोल्टेज आप बैटरी को देंगे, बैटरी से देंगे, वो डिवाइड हो जाता है। तो इसकी अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो इसकी इक्विवेलेंट होती है 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। याद रखिएगा इसका जो C इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, लेस देन होता है किससे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, यानी हर एक किसी की कैपेसिटेंस से वो कम ही आएगा आपके पास आंसर। अब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, जिनकी कैपेसिटेंस एक जैसी है, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, एक जैसी है, और वो C है, कैपेसिटेंस सबकी एक ही है, डिफरेंट नहीं, तो इसकी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ढूंढेंगे, Cn डिवाइडेड बाय n। जैसे अगर आपके पास 10 कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर की 10-10 जो है वो कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोफेराड, तो आपने 10 माइक्रोफेराड रखना है और उसको डिवाइड कर देना है 10 के साथ, बस। तो 10-10 में खत्म, तो ये 1 माइक्रोफेराड आंसर आएगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम ही आया, देखना आपने, तो वही मैंने बात की कि इक्विवेलेंट यहां से कम ही आने वाला है। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर आपके पास हो जिनकी कैपेसिटेंस सेम हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे कनेक्टेड होती है हमारे पास, ठीक है, इन तीनों को हम कंबाइन करके जो है वो एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। खैर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, चार्ज डिवाइड हो जाती है तीनों में, C1 C2 C3। तो चार्ज कैसे डिवाइड होती है कि इक्विवेलेंट चार्ज हो जाती है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे, तो चार्ज डिवाइड हो जाती है इन तीनों के समय। तो जब हम यहाँ से इक्वेशन को डिटरमाइन करते हैं तो वी गॉट अ इक्वेशन हेयर कि यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब इसकी जो इक्विवेलेंट होगी वो तीनों से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सबसे ज्यादा बनेगी, ठीक है, क्योंकि एडिशन है ना, तो एडिशन में बढ़ती है ये चीज। और अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इफ यू हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स में आप इस कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, n इंटू C, जो आपके पास C कैपेसिटेंस गिवन हो ना सबकी एक जैसी, उनको आपने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगी। और ये मल्टीप्लीकेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इंक्रीजेस, तो n इंटू C का बेसिक मतलब हमारे पास ये है। तो ये अरेंजमेंट है जिसको आपने सॉल्व करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये दो कॉम्बिनेशन है जिनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड कर देना, ठीक है। उसके बाद आज हम फाइनली पार्ट की बात करते हैं, दैट इज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, पीछे हमने एक यूनिट पढ़ा, जब हमने कैपेसिटेंस का पढ़ा तो हमारे पास यहाँ पर एक और यूनिट भी बनता है अगर हम कैपेसिटर्स को लिखना चाहें, और वो हमारे पास होता है जिसके रेजिस्टेंस के टर्म्स में। और रेजिस्टेंस के टर्म्स में ये बताया गया था कि जो कैपेसिटेंस होता है, जो जिसको हम फैराड कहते हैं, फैराड, इस ये एक और भी यूनिट के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, अभी तो हमने पढ़ा ना सी वी इनवर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सी ओवर वी या सी वी इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये फैराड एक और यूनिट के बराबर भी होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है, याद रखिएगा, ये बराबर होता है टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट के, यानी ये होता है ओम इनवर्स और सेकंड, ये होता है इन टर्म्स ऑफ ओम, ओम इनवर्स सेकंड,
अब ये कहां से आता है, ये आता है दर हकीकत चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या है, चलें बात हम कर लेते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या है, सबसे पहले हमें एक सर्किट डिस्कस करना होता है, और सर्किट कौन सा होता है, वो सर्किट होता है आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट का मतलब क्या होता है, आरसी सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड हो, जिसमें एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड हो, रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक एंड के साथ, जिसको मैं फिलहाल ओपन रख लेता हूँ। ये ए एंड है, ठीक है, और यहाँ पर बी एंड है, और यहाँ से हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर सी के साथ। ठीक है, अब अगर मैं आपको कराऊं कि मैंने जो है वो इसको चार्ज करना, तो मैंने कौन से टर्मिनल को बंद कर देना है, सबसे पहले कैपेसिटर को अगर मैंने चार्ज कर देना तो मैंने कौन से जो है वो बंद कर देना है इसके सर्किट को। हाँ बी सी करेक्ट वन, इसको बंद कर दूंगा तो बैटरी वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है करंट का, चार्जिंग में आपसे करंट का डायरेक्शन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो कौन सा है, क्लॉक वाइज के एंटी क्लॉक वाइज। हाँ करेक्ट वन, क्लॉक वाइज है हमारे पास, तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ क्लॉक वाइज। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्चार्जिंग की तरफ जाए, सेम ही ग्राफ को, ये जो मैंने बनाया अभी फिगर, इसी को ही मैं यहीं पर ही बना देता हूँ। मुझे आप ये बताना है कि भाई मैं कौन से एंड्स को जो है वो अभी क्लोज करूंगा कि ये डिस्चार्ज हो जाए। हाँ बीच वाले करेक्ट वन, ये ए बी सी, तो मैंने बी सी के जैसे अटैच कर देना। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो बदले में क्या होगा, बदले में ये जो चार्जेस थी पॉजिटिव वाली, ये इन्होंने अब कहाँ आना है, इन्होंने अब नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नीचे की तरफ आके यहाँ से गुजर के फिर इस साइड चले जाना है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। जब आपने बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसकी कनेक्शन को छोड़ दिया, तो डिस्चार्जिंग में ये करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। तो याद रखिएगा जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो डिस्चार्जिंग में जो करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा, वो करंट का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, वो करंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा एंटी क्लॉक वाइज। वॉट यू हैव टू फाइंड, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और जब आप करंट का डायरेक्शन पढ़ेंगे चार्जिंग के केस में, तो आपको कौन सा मिलेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मिलेगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अबाउट कैपेसिटर्स इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। अब जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम टाइम कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, एंड दैट टाइम कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टाओ। हमारे पास एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम टाओ की सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो हमें बताया गया कि वो जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो दर हकीकत मल्टीप्लीकेशन होती है आर इंटू सी के साथ। आर मतलब रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। यहीं से भी देखें आप यूनिट निकाल सकते हैं, टाइम मतलब टाइम ही है तो उसका यूनिट सेकेंड, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम और कैपेसिटेंस का फेरेड, तो फेरेड बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा, तो फेरेड बराबर हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय ओम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओम इनवर्स इनटू सेकेंड, तो पीछे जो मैंने बताया यूनिट वही है, तो इसी तरीके के साथ हम इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें यूनिट को तो डिस्कशन नहीं, हमारे पास वो टाइम कॉन्स्टेंट का जो है वो डिस्कशन था। अब ये जो टाइम कॉन्स्टेंट है, ये दर हकीकत चार्जिंग के लिए कुछ अलग होता है, डिस्चार्जिंग के लिए कुछ अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चार्जिंग की बात करें, तो चार्जिंग में हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा बैटरी कभी भी बैटरी की बात नहीं कर रहा, बल्कि कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है वो कभी भी 100% चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो जब अपनी 63% मतलब टोटल चार्ज में से जब वो 63% चार्जेस को जमा कर देता है ना, तो उसको हम चार्जिंग कहते हैं। तो चार्जिंग में हमारे पास क्या होता है, चार्जिंग में जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, वो टाइम होता है, किसके ड्यूरिंग, टाइम ड्यूरिंग विच 63% ऑफ, 63% ऑफ, जिसमें जो 63% होगा वो चार्ज क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, ऑफ चार्जेस स्टोर्ड, 63% क्या हो जाएंगी, चार्जेस की जमा हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो 37% बचेंगी ना 100 में से, वो डिस्चार्जिंग में होंगी। तो अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास वही डेफिनेशन बनेगी, लेकिन वो किस में बनेगी, फिर वो जो है वो डिस्चार्जिंग में चली जाएगी, यानी कि वो चार्जेस को यूटिलाइज कर देगा। तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट डिस्चार्जिंग में चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच, जिसमें क्या होने वाला है,
जिसमें 30% 37% 37% किसके चार्ज के इज यूटिलाइज्ड आर यूटिलाइज्ड वो क्या हो जाएंगी यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू याद कीजिएगा, चार्जिंग के लिए 63% होती है और डिस्चार्जिंग के लिए कितनी होती है 37% होती है हमारे पास। अब जब हम चार्ज के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो हमारे पास चार्ज का, कोई भी अमाउंट हो, तो उससे हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे भाई, हमें किसी भी इवेंट में अगर इंस्टेंटेनियस चार्ज चाहिए, क्यू इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी इवेंट में, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब है टोटल चार्ज। ठीक है, और टोटल चार्ज का चार्जिंग में 63% और डिस्चार्जिंग में 37%। ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है 1 माइनस, और इसको हम ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी कर देते हैं। ठीक है, और जब हम डिस्चार्जिंग के लिए पढ़ते हैं यही चार्ज जो हम क्यू इंस्टेंटेनियस मालूम करना चाहें, तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस, और हम यहाँ पर ई पुट करते हैं, और ई के सॉरी यहाँ पर 1 माइनस नहीं है, यहाँ पर जस्ट ई होने वाला है, तो यहाँ पर बनेगा ई, और उसके ऊपर हम पावर पुट कर देते हैं माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, और यहाँ पर टी क्या है, वही टाइम कॉन्स्टेंट। अब अगर टी की जगह पर हम आर सी पुट कर देंगे, तो इसको हम कैलकुलेटर के हिसाब से जब सॉल्व करते हैं, तो हमें जो इसका आंसर मिलता है वो मिलता है 0.63 ऑफ क्यू नॉट, यानी कि जो क्यू इंस्टेंटेनियस आपको चार्जिंग के लिए मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0.63 क्यू नॉट। 0.63 का मतलब क्या है, 63% ही चार्ज की। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्यू इंस्टेंटेनियस में, तो इसका आंसर हमें कितना मिलता है 0.37 टू क्यू नॉट। 0.37 का मतलब क्या है 37%, और ये जो टी है इसकी जगह पर हम आर सी पुट करेंगे तो हमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ये जो ई है ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनते हैं, तो उस ई की वैल्यू 2.71 होती है, 17 होती है शायद, यूलर्स फंक्शन जिसे कहते हैं, तो इस एक्सपोनेंशियल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपने इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन कर ली किसके लिए, फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। याद रखिएगा क्यू नॉट टोटल चार्ज होती है, अगर चार्जिंग के लिए जाएंगे तो 0.63 ऑफ क्यू नॉट, ठीक है, और अगर डिस्चार्जिंग के लिए जाएंगे तो 0.37 ऑफ क्यू नॉट। 0.63 का मतलब है 63%, और डिस्चार्जिंग में जो 0.37 है उसका मतलब है 37%। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट ही बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के अंदर। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, व्हेन वी आर डीलिंग विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डील करना चाहें, तो चार्जिंग के लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्यू और टी के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो ये चार्जिंग के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ फॉर क्यू एंड टी। ठीक है भाई, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा चार्ज का, जो हम मैक्सिमम चार्जेस होगा हम क्यू नॉट कह देते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी जो है वो 0.63 चाहिए, तो वो 50 से ज्यादा होने वाला। यहाँ पर चले दो वैल्यूज बना देते हैं कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर ऐसे शो करता है, एक कैपेसिटर ऐसे। चले इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ ताकि फिर ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो ये रेड से हम शो कर देते हैं इसको, तो ये दो ग्राफ हमारे पास बने। ठीक है, देखिए ये क्यू है, ये टी है हमारे पास। बड़ा सिंपल सा तरीका आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए होना क्या है, अगर हम 63% पर जाएं, यानी कि यहाँ पर जा रहे हैं, व्हिच इज ऑफ 0.63 ऑफ क्यू नॉट, 63% यानी 50% से ज्यादा, जाहिर सी बात है, तो 0.63 ऑफ क्यू नॉट। तो दोनों को कंबाइन करें आप, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर भी कंबाइन करूंगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर भी कंबाइन करूंगा। यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी फॉर इस ब्लैक ग्राफ, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी फॉर रेड वन। ठीक है, याद रखिएगा टाइम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी चार्जिंग रेट उतना कम होगा, यानी कि चार्जिंग रेट, जो चार्जिंग रेट होगा वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर सी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आर सी है इसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि जिस कैपेसिटर की, जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें चार्जिंग रेट कम होगा। और चार्जिंग रेट कम होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो स्लो चार्ज करेगा। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ब्लैक वाले को शो करें, ठीक है, तो ब्लैक वाले को शो करने के लिए हमें लो आर सी मिल रही है, क्योंकि टाइम की वैल्यू कम है, देख लें आप, लो आर सी मिल रही है। अगर टाइम की वैल्यू कम होगी तो चार्जिंग रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और चार्जिंग रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि रैपिड चार्जिंग,
यानी कि जो कैपेसिटर है वो रैपिड चार्जिंग देगा यहाँ, मतलब जल्दी में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले में हमारे पास जो टाइम की वैल्यू क्या है वो ज्यादा है, सही है। तो अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू ज्यादा है तो यानी मोर आरसी, टाइम की वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है मोर आरसी, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लो चार्ज करेगा, ये क्या करेगा, स्लो चार्ज करेगा। याद रखिएगा चार्जिंग के लिए, और दर हकीकत ये होता है कि जो डिस्चार्जिंग के लिए होती है वो भी यही होती है, तो चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग रेट है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा मिले उसका चार्जिंग रेट कम, यानी कि स्लो चार्ज करेगा, और जिसका आरसी ज्यादा मिले उस सॉरी जिसका आरसी कम मिले वो रैपिड चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग के लिए, फिर जब हम डिस्चार्जिंग के लिए पढ़ते हैं इसी सेम ग्राफ को, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी पी। अब डिस्चार्जिंग के लिए कितना था 37, तो 50 से कम होगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दो ग्राफ बना देते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है लेट सपोज 0.37 ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट टोटल चार्ज है किसी न किसी वैल्यू का, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी जो डिस्चार्जिंग रेट होगा, डिस्चार्जिंग रेट यहाँ पर भी जो डिस्चार्जिंग रेट होगा वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आरसी के साथ। याद रखिएगा जिसका टाइम कांस्टेंट कम उसका डिस्चार्जिंग रेट ज्यादा, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा उसका डिस्चार्जिंग रेट कम। ग्राफ को नाम दे देते हैं 1 and 2, तो आपके हिसाब से चार्जिंग रेट किसका ज्यादा, डिस्चार्जिंग रेट किसका ज्यादा होने वाला है, फर्स्ट वन का या सेकेंड वन का ज्यादा, सेकेंड वन का। अब सेकेंड वन का ज्यादा होने वाला डिस्चार्जिंग रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो गया, रैपिड डिस्चार्ज हो जाएगा, रैपिड डिस्चार्ज। तो इन्हीं चीजों को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफ में से आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं इनकी अरेंजमेंट। तो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसको हम इन केसेस में याद करते हैं। तो ये आज का हुआ लेक्चर कम्प्लीट, थोड़ा तो लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट को आपने समझना है, अंडरस्टैंड कर देना है, उसके बाद ही जो है फिर आप आगे चल के इसको जो है वो मतलब ध्यान में रख सकते हैं, या आगे चल के इनको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है जिसमें हमने इन चीज़ों को आज डिस्कशन में लाया है। तो ये मैं पीछे से एक मरतबा दिखा देता हूँ अपने हमने किन किन चीज़ों को पर्सपेक्टिव याद किया है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।